बीदर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं बूढ़ा अध्यक्ष बसवराज जाप शेट्टी ने हाल ही में हुए लोकसभा क्षेत्र के चुनाव नतीजों की प्रशंसा जाहिर की और बीदर में कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे की विजय बनाने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने ग्रेजुएट क्षेत्र के MLC की मतगणना में कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रशेखर पाटिल के विजय होने की कामना की। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। नमस्कार, सभी बीदर के महा जनता को मैं बधाई देता हूं। जो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट हमारे को भारी मतों से हमारा कैंडिडेट जिता के दिए हैं, 1,28,800 वोटों से क्या है, हमारा कैंडिडेट श्री सागर खंडरे आज MP चुनाव में जीत हासिल किए हैं, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज पार्लियामेंट में बीदर की ओर से एक छोटा 26 ईयर का लड़का आज MP बना है, ये टोटल ऑल इंडिया में शायद इनके उतना उम्र कम उम्र वाला कोई शायद व्यक्ति नहीं होगा। ये तो बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, फख्र की बात है। उससे भी ज़्यादा मैं हमारे जो कांग्रेस वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, साथ ही साथ हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर श्री सिद्धरामैया जी और DK शिवकुमार साहब जी, ये तमाम नेताओं ने जो टिकट दिया है इनको, इतना छोटा एज रहने के बावजूद भी वो सीट दिए हैं और उसी हिसाब से यहाँ के बीदर के जनता ने जिता के दिया है। साथ ही साथ मैं इस खुशी के मौके के ऊपर हमारे बीदर जिले के उस्तवारी मंत्री ईश्वर खंडे जी और रहीम खान जी और श्री राजशेखर पाटिल जी और श्री अरविंद कुमार अरले जी और श्री विजय सिंह जी और अशोक खेणी जी, इन तमाम नेताओं का सहकार हमें मिला है और हमारा कैंडिडेट बहुत बड़ी वोटों से क्या है जीत हासिल किया है। इस मौके के ऊपर तमाम बीदर के हमारे कांग्रेस के भाइयों को, जो भी लीडर्स यहाँ पे इसके लिए काम किए हैं, तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं आज ये उम्मीद भी करता हूँ, आज भी एक रिज़ल्ट हमारे को MLC का रिज़ल्ट आने वाला है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारा कैंडिडेट डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल इस MLC चुनाव में भी क्या है जीत हासिल करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करते हुए मैं सभी लोगों को और एक बार बधाई देता हूँ। धन्यवाद।